उज्जैन के विक्रम कीर्ति मंदिर सभा हॉल में बड़ाई समाज विकास समिति की ओर से परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया जो पिछले कई वर्षों से आयोजित होता है। यहां पर बड़ाई समाज के समाजजन पहुंचे उज्जैन संभाग से और इस परिचय सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर बड़ी संख्या में युवक और युवतियां भी पहुंचे और अपना परिचय दिया। और परिचय के बाद इनके रिश्ते बंधन तो हुए जो विवाह बंधन में बंधेंगे। इस दौरान उज्जैन के पूर्व सांसद चिंतामन मालवीय, विधायक रामलाल मालवीय सहित बड़ी संख्या में मालवीय समाज के वरिष्ठ समाजजन मौजूद रहे। इस परिचय सम्मेलन में परिचय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, समरसता और भाईचारा स्थापित रहे, उसी को लेकर यह परिचय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जानकारी बताइए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिसोदिया है और मैंने भले ही समाज के युवा परिचय संबंध में ये कार्य छोटा सा किया है। कोविड-19 मतलब वो रखते हुए हमारा ये उद्देश्य है कि भले ही समाज एक हो, भले ही वो कोई भी हो, मेरा यही उद्देश्य है, सबको एकत्रित करना मेरा यही उद्देश्य है। अभी तक कितनी जनसंख्या में यहाँ लोग आए? यहाँ करीबन 1000 के लगभग। सोशल डिस्टेंस का पालन? हाँ, सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। अपन ने मास्क भी वितरित किए गए हैं और सैनिटाइज का भी इंतजाम किया गया है। जो हमारे मेयर से बना हुआ मेरे मतलब भले ही समाज के माध्यम से सारी व्यवस्था की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को नजर मतलब इसको देखते हुए। और समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये समाज जो भी हो, भले ही समाज का चाहे वो गुजराती समाज का हो या सौराष्ट्री समाज का हो या भलई समाज का हो, वो एक साथ कंधे से कंधे से मिला के चलेगा तो सभी को खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। मैं सभी से मेरा यही आग्रह है और यही निवेदन है। आपका नाम और आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिसोदिया। मैं उज्जैन में 36 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट LDC की पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।